जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।